फैन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम XUV500 का पिस्टन रिप्लेस कर रहे हैं। ये हमने पिस्टन रिप्लेस कर दिया है तो हम इसमें पिस्टन रिंग चेंज करेंगे, तो आपको बताएंगे कि किस तरह से बिठाइएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑयल रिंग है, ये आपका ये नीचे का जो पोजीशन है इस नीचे वाले पोजीशन में बैठेगा, और कभी भी इसमें बिठाते समय ये जो लिखा हुआ है इसे आप ऐसा टॉप पे रखिएगा, ये लिखा हुआ ऊपर आना चाहिए। इसके बाद से ये आपका लो कंप्रेसर का रिंग है, इसको आप कभी भी ऐसा प्रेस करके दे सकते हैं, ये अगर ज़्यादा प्रेस हो रहा है तो ये आप बीच वाले हिस्से में आएगा, ये लो कंप्रेसर रिंग है। और ये आपका टॉप का रिंग है, ये देख सकते हैं कम दब रहा है, इसका जो थिकनेस रहता हार्ड रिंग का वो ज़्यादा है, तो ये आपका टॉप पे आएगा। ठीक है फ्रेंड, और कभी भी बिठाते समय बस ये जो लिखा हुआ है इसको कभी भी ऐसा टॉप पे रखिएगा। और ये पिस्टन जब आप ब्लॉक में फिट करेंगे तो ये जो एरो है इसको टाइमिंग के पोजीशन पे, टाइमिंग के साइड रखिएगा। ये एरो आपके टाइमिंग के चैन के साइड एरो होना चाहिए, ये आप कभी भी गौर कीजिएगा। और ये जो मक्खी है ये आप देख सकते हैं बैरिंग का जो मक्खी है, ये कैप को भी कभी आप ओपन करेंगे तो इसका मक्खी आमने सामने फिट रहना चाहिए, इसको पलटी करके कभी भी मत लगाइएगा पिस्टन ठोकने के बाद, ये आमने सामने मक्खी रखिएगा। और ये मक्खी पंप के अपोजिट साइड में आएगा, ये आपका पिस्टन ऐसा टाइमिंग साइड में जाएगा ये साइड पोजीशन में, और ये जो मक्खी है ये आपका पंप के पीछे साइड अपोजिट साइड में जाएगा का पिस्टन है। और एक फ्रेंड एक बात है, ये जो इसका गजन पिन का लॉक है ये इसका जो पोजीशन है कभी भी ये कट के सामने मत रखिएगा, ये अगर इसको घुमा के आप कट के सामने रखते हैं तो कभी भी ये लॉक निकलने की संभावना है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। कभी भी गजन पिन का लॉक बिठाते समय इस लॉक के पोजीशन को यहाँ तक घुमा लीजिए, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसका लॉक दोनों रखा है, ये कट के सामने नहीं रखा है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।